गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। यूपी SSC लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक नोटिस जारी हुई है, जिसको जानने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ से जो है एक नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस में आवश्यक सूचना यहाँ पर लिखा हुआ है। नोटिस में देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। आयोग की विज्ञप्ति संख्या 41/05 विज्ञान अनुच्छेद 11/2019 दिनांक 21 मई 2019 के संबंध में अवगत कराना है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 20/2016 गन्ना पर्यवेक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 सेकंड की दिनांक 7 जून यानी 7/6/2019 को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। परीक्षा के संबंध में आगामी नियत तिथि की सूचना बाद में यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। और आशुतोष मोहन अग्निहोत्री सचिव हैं, इन्होंने जो है नोटिस जारी किया है। और 7 जून 2019 को जो एग्ज़ाम होने वाला था गन्ना पर्यवेक्षक का, 2016 का फॉर्म भरा हुआ था, तो उसकी एग्ज़ाम जो है अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। तो दोस्तों, ये थी विशेष सूचना। दोस्तों, पता नहीं आयोग में क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो का रिजल्ट भी नहीं आ रहा और इधर जो है एग्ज़ाम ये होने वाला जो था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। और एक एग्ज़ाम 15 जुलाई 2018 को हुआ था लोअर सेकेंड का, 2016 का फॉर्म भराया हुआ था, वो भी एग्ज़ाम होने के बाद STF जाँच में पाया गया कि वो गलत था, पेपर लीक था, इसलिए उसको भी जो है निरस्त कर दिया गया। कल जो है नोटिस आई थी, हमने आप लोगों को सूचित कर ही दिया है। तो पता नहीं आयोग में क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आप लोग परेशान होंगे ज़रूर, जिन लोगों ने पेपर दिया था उसका, वो लोग भी परेशान होंगे जिन्होंने मेहनत करके दिया था अच्छे से पेपर। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो इस तरह की जो है सूचनाएँ हम बराबर लाते रहेंगे अपने चैनल पर।